दर्शकों, रोहतास नगर विधानसभा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन शारदा महिला मोर्चा ने मंडलों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस रामनगर से सुनीता शर्मा जी हैं, जिनको मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा में नियुक्त किया गया है। मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है मंडल अध्यक्ष का पद मिलने के बाद? देखिए, पहले सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे अध्यक्ष जी जो सुरेंद्र शर्मा जी हैं, पार्षद जी हैं चंद्र प्रकाश शर्मा जी, और विधायक हैं श्री जितेंद्र महाजन जी, उन सभी का हार्दिक बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना और ये जिम्मेदारी मुझे उन्होंने सौंपी है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा ये प्रयास करूंगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और पूरी गरिमा के साथ निर्वहन करूँ इसका। सुनीता जी, अगर हम बात करें पार्टी के लिए, तो पार्टी के लिए लगभग कितने साल हो गए आपको सेवा करते हुए? देखिए, जब से हो संभाला है, बचपन से हमने मतलब बीजेपी को ही अपने घर में देखा है, इसी पार्टी पर हमने विश्वास किया है और आगे भी इसी पे रहे। अन्य पार्टी नहीं, कांग्रेस रही या झाड़ू इस समय आम आदमी पार्टी? जी नहीं, मैं तो कभी नहीं करना चाहूंगी, कभी नहीं जुड़ना चाहूंगी इन पार्टियों से। मेरी जो भावना है, मेरा जो मतलब कर्तव्य है, मैं उसे अपना भाजपा के लिए ही समझती हूँ। क्या रहने वाला है इस बार 2024, क्या नजर आ रहा है? 2024 हमारा था, हमारा है और हमारा होगा। कहीं नहीं जाने वाला? नहीं जी, कहीं नहीं जाएंगे हम। अब की बार मोदी जी हैं, फिर से तीसरी बार फिर मोदी जी आ रहे हैं, और अब की बार 400 पार। ये जो 400 पार आप लोग कह रहे हैं, ये ऊपर से टैगलाइन आई है या क्या है? अंतरात्मा बोल रही है ये? देखिए, एक तो टैगलाइन भी, हम जो हमारी आत्मा से निकलता वही टैगलाइन बन जाता है जी। तो हमारी आत्मा क्या है? जो आत्मा से निकलती है आवाज, वही टैगलाइन बन जाती है, वो जो ऐसे कि 400 पार। जी जी, टैगलाइन कोई ऊपर से ऐसा नहीं है, भगवान स्पेशल वही बना करके भेजते हैं, वो भी हम लोग ही हैं बनाने वाले। तो हमारे अंदर से ये बात निकलती है और उसी को हम पूरा करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। सांसद मनोज तिवारी जी की बात करें तो फिर लग रहा है कि तीसरी बार मनोज तिवारी जी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब की बार फिर से तीसरी बार मनोज तिवारी जी ही हमारे सांसद होंगे, हमारे क्षेत्र का विकास भी उन्हीं के हाथों में। क्या नजर आ रहा है 10 साल का इनका जो कार्यकाल रहा, कैसा कार्यकाल? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और क्षेत्र से जुड़े हुए वो हमेशा रहते हैं और हर कहते समस्या में वो हम लोगों के साथ ही खड़े होते हैं। जब भी कोई उनकी जरूरत होती है जनता को, तो हम लोगों के बीच में ही खड़े हुए होते हैं। कितनी बार मुलाकात हुई मनोज जी से? मेरी मुलाकात उनसे 5-6 बार हो चुकी है। और 10 सालों में 5-6 बार? हाँ जी, 5-6 बार हुई है, क्योंकि अब से पहले तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता ही थी पार्टी में। अब ये पद मिला है तो आगे तो और मिलता है। विपक्ष कहता है फोन मिलाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मनोज जी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो तो रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन फोन नहीं उठाते। देखिए, बिल्कुल खाली तो सांसद जी भी नहीं है, उनका पद एक गरिमामय पद है, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें जनता के बीच में भी जाना होता है। और काम अगर नेता नहीं करेंगे तो खाली थोड़ी बैठे हुए कि हर वक्त वो फोन ही हाथ में लेके बैठ रहेंगे, हाँ जी किसका आ रहा है तो हम बात करें। उन्हें काम भी तो करवाना है ना क्षेत्र में जी। वही बात करें कार्यालय की, सांसद मनोज तिवारी जी का कार्यालय कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी लोकसभा, उत्तर पूछती। देखिए, उनका तो खुला दरबार है, उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक जगह बैठ रहे हैं। आप जहाँ उनको बुला लेंगे वो वहीं हाजिर हो जाते हैं, वहीं हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, वहीं उनका ऑफिस बन जाता है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए? देखिए, मोदी सरकार के पहले महिलाओं के लिए सोचने वाली कोई भी सरकार नहीं आई, ये बात तो 100% सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जो 33% आरक्षण अभी महिलाओं को उन्होंने दिया है, वो सबसे बड़ी लड़ाई हम लोगों की थी और उसे हम जीत गए हैं। और ये उनका जो सम्मान उन्होंने महिलाओं को दिया है, ये इसके लिए बहुत बहुत मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप लोग बहुत खुश हैं कि 33% आप लोगों को मिला है, लेकिन देखने में आता है जब टिकट की बारी आती है, जो काम करने वाली महिला होती है वो पीछे पिछले पायदान पे नजर आती है, और जो घर बैठी हुई होती है उनको मौका मिल जाता है। ऐसा मैं नहीं समझती कि ऐसा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी हमारी, इसमें जो काम करने के इच्छुक लोग हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो हमारी पार्टी उनको आगे लाती है। काम करने वाली तो आगे आ जाती है, लेकिन उसका देखिए टिकट की बात आती है तो पिछले पायदान पे खड़ी नजर आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं उसका अपना उदाहरण मैं खुद देना चाहूंगी।
मैंने शायद कभी किसी को ये नहीं कहा होगा कि मुझे आप इस पद पे चुने या कुछ करें। उन्होंने मेरा काम देखा तो मुझे अपने आप मेरे शिष्य नेतृत्व मुझे आगे बढ़ाया है, तो मैं तो अपना उदाहरण ही आपको दे सकती रामलला के दर्शन कर हूँ। अभी तो मौका नहीं मिला, जिस टाइम ये हुआ था उस टाइम थोड़ी घर में परिस्थितियां लिए। जी, नहीं थी जाने लायक, लेकिन अभी हम जल्दी जाने वाले हैं। क्या अपील करेंगे 24 के लिए जनता से? मैं जनता से यही कहना चाहूंगी कि कोई भी मतलब सोचने समझने की तो बात ही नहीं है, बस कमल का बटन दबाइए और मोदी जी को वापस लाइए।